सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम फिल्म के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में और क्या डिटेल हमें नजर आई है जॉन विक की सीरीज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं कुछ बातें फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड भी करूँ तो डेफिनेटली एक स्पॉइलर होगा। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं फिल्म के टाइटल की, जो एक हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा है, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि कोई भी जॉन विक सीरीज का फैन जब जॉन विक के थर्ड पार्ट की बात करेगा तो वो यहाँ पर जॉन विक 3 ही कहेगा, ना कि उसमें चैप्टर और पैराबेलम लगाएगा। लेकिन चैप्टर 3 तक तो ठीक था, पर यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई कि इस फिल्म के टाइटल में पैराबेलम नाम को क्यों ऐड किया गया है। तो अगर यहाँ पर इस छोटे से टाइटल पर नजर डाली जाए तो पैराबेलम असल में एक गन का नाम है, जिसे इन्वेंट किया गया था जर्मन की तरफ से, जिसके बाद पैराबेलम एक मशीन गन भी बनाई गई थी, जिसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया गया था। तो शायद यहाँ पर इस टाइटल को डालने का मतलब ये है कि जिसने ये गन बनाई थी उसी ने इस ऑर्गेनाइज को शुरू किया है। तो शायद हो सकता है कि फिल्म में नाम जॉर्ज लुनगन का भी लिया जाए, क्यों उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बढ़ते हैं फिल्म के इस पोस्टर की तरफ, जिसमें हम वीक को कॉन्टेंट लोगो के पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं, जिससे ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि कॉन्टेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटी जॉन विक को दी गई थी वो अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। क्यों उसका रीजन आप सभी को है, क्योंकि जॉन विक चैप्टर 2 में जॉन विक ने कॉन्टेंट होटल का एक सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था, और वो रूल था कि इस होटल में किसे भी मारा नहीं जाएगा। लेकिन जॉन ने इसी कॉन्टेंट होटल में हाई टेबल के एक मेंबर सैंटिनो को मार दिया, जिस वजह से विंस्टन के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा कि वो अब जॉन विक के खिलाफ एक बाउंटी तैयार करवाए, और ये बाउंटी लगभग 40 मिलियन की है, जिससे ये बात साफ हो गई कि जॉन विक को कोई भी मारेगा तो उसे ये 40 मिलियन का प्राइज मिलेगा। जिसके बाद अब जॉन की जान का दुश्मन हर एक वो अशिंशन है जिसके पास ये मैसेज गया है। और चैप्टर 2 में हमने ये चीज साफ साफ देखी थी कि जॉन विक का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई अशिंशन बैठा हुआ है जो जॉन विक की जान का दुश्मन है। यानी एक हिसाब से अब जॉन विक अकेला है पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ, और वो किसी से भी मदद मांगने बाहर नहीं जा सकता, वरना जॉन विक को सारे के सारे अशिंशन जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए यहाँ पर जॉन विक के पास बैकअप प्लान भी है, जिसकी एक झलक हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि जॉन विक यहाँ पर मदद मांगने गया है एंजेलिका हुडसन के कैरेक्टर से, और उनका कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस है। अब तक ये चीज रिवील नहीं की गई है कि एंजेलिका असल में इस फिल्म में क्या रोल कर रही है, लेकिन अगर थोड़ी डिटेल की बात करें तो वो इस फिल्म में डायरेक्टर का रोल करने वाली है, यानी वो हाई टेबल के मेंबर में से एक मेंबर है जिनकी ज्यादा चलती है। पर हम यहाँ पर एंजेलिका के मुंह से ये भी सुन सकते हैं कि वो जॉन विक को साफ साफ मना कर देती है, और ये कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि इस बार सिचुएशन काफी बुरी है। तो अगर यहाँ पर मैं अपनी थियोरी लगाकर ये चीज ऐड करूँ कि इस फिल्म में एंजेलिका का रोल शायद कहीं ना कहीं फिल्म के टाइटल पैराबेलम से मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एंजेलिका का कैरेक्टर इस फिल्म में लुनगर फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जिस लुनगर फैमिली ने इस ऑर्गेनाइज को शुरू किया है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जॉन विक इतनी आसानी से कैसे आकर एंजेलिका के कैरेक्टर से मिल लेता है। तो उसका जवाब हमें इस सीन में मिलता है, जहां पर जॉन के पास जैसा कि मैंने बताया एक बैकअप प्लान है, और वो यहां पर एक लाइब्रेरी में एंटर कर रहा है, जहां पर उसने कुछ कीमती चीजें छुपाई हुई है, और वो चीज है एक क्रॉस, जिस क्रॉस को शायद एंजेलिका ने ही दिया होगा ताकि जब फ्यूचर में जॉन किसी बड़ी मुसीबत में पड़े तो वो इस क्रॉस को दिखाकर एंजेलिका के कैरेक्टर से मदद मांग सके। और इसी के साथ साथ हम इस बुक के अंदर कुछ कॉइन्स भी देख सकते हैं, जिनकी मदद से जॉन को थोड़ा टाइम मिल जाएगा उन सभी अशिंशन से दूर भागने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमेशा वॉर जॉन की तरफ से शुरू नहीं की जाती, जॉन हर बार वॉर से काफी दूर रहता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी जॉन को एक बड़ी वॉर में पड़ना ही पड़ता है, जिसके बाद उस वॉर का रिजल्ट क्या निकल कर आता है आप सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है, जिसका जॉन को अकेले ही सामना करना है। लेकिन आप सभी ने एक चीज अगर नोटिस की होगी तो ट्रेलर के स्टार्ट में हम देख सकते हैं जॉन को अपने कुत्ते के साथ भागते हुए, यानी ये सीन वहीं से कंटिन्यू किया गया है जहां से सेकंड चैप्टर को खत्म किया गया था। और उस टाइम पर विंस्टन ने जॉन को सिर्फ 1 घंटे दिए थे कि वो 1 घंटे में शहर या फिर यहां से जितनी दूर भाग सकता है भाग ले, और 1 घंटे बाद उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर में हमें रात दिख रही है, तो शायद जॉन रात होने तक सर्वाइव काफी मुश्किल से कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे हम काफी सारे निंजास को देख सकते हैं जो बाइक पर बैठकर जॉन की जान लेने आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में कुछ फाइटिंग सीन्स
मूवीज, जिन्हें देखकर डेफिनेटली हमें ब्रूस ली की लेजेंड फिल्म गेम ऑफ डेथ की याद आती है, क्योंकि यहाँ पर भी जॉन एक काफी लंबे और हट्टे कट्टे इंसान से लड़ रहा है। और अगर इस सीन को मैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई हू लव मी से कंपेयर करूँ तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, जिस फिल्म में हमने जेम्स बॉन्ड, रॉजर मोरे और रिचर्ड केल की फाइट देखी थी। तो एक हिसाब से इस फिल्म के जितने भी एक्शन है वो किसी न किसी फिल्म के एक्शन के रेफरेंस है, जैसे की किल बिल, इंडियाना जोन्स और एक्वामैन का ये सीन। खैर, उसके बाद के ट्रेलर में जॉन विक का डॉग हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया सिवाय ट्रेलर के स्टार्ट में, तो शायद इस बार भी जॉन विक का डॉग खतरे में है। और उसी के साथ साथ हम पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में एक सॉन्ग सुन सकते हैं, जिस सॉन्ग का नाम है इम्पॉसिबल ड्रीम, जिसे गाया था फ्रैंक सिनेत्रा ने। और ये सॉन्ग जॉन विक के पूरे ट्रेलर की सिचुएशन पे काफी अच्छी तरीके से सूट कर रहा है, क्योंकि सॉन्ग का टाइटल है इम्पॉसिबल ड्रीम। और जॉन विक का सपना भी कुछ इसी तरीके का है कि उसे अपनी लाइफ नॉर्मल जीनी है, जो सुकून से जॉन विक को कोई जीने नहीं देता। और इसी बीच हमें ज्यादा फोकस दिखाया जाता है एक असेंशन पर, जो जॉन विक की जान का दुश्मन बना हुआ है, और वो कैरेक्टर है मार्क डेकर्स को। उनके अलावा हमें एक और कैरेक्टर की झलक नजर आई, जिनका नाम है रॉगर येन। और उसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि हमें इस फिल्म में हीरो योकी भी नजर आने वाले हैं, लेकिन वो हमें इस ट्रेलर में नजर नहीं आए। लेकिन इनके अलावा जो सबसे खास कैरेक्टर मुझे नजर आया वो है जीरो फ्लैन, जिन्हें हमने इसके पहले गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है। उसके बाद हमें नजर आई एशी के लॉरेंस फिशबर्नी, लैंसी रेडविक और हेली बेरी का कैरेक्टर सोफिया, जिस कैरेक्टर को ढूंढने के लिए जॉन विक ने काफी लंबा ट्रेवल किया, क्योंकि यहाँ पर जॉन को सोफिया की मदद चाहिए। और देखकर ऐसा लगता है कि सोफिया जॉन की मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक उन दोनों के पुराने दिनों की तरह, जो गन वन पैक कर बिल्कुल रेडी है कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि शायद सोफिया को पता है कि जॉन विक जब भी कन्वर्सेशन करने जाता है किसी से भी तो वहाँ पर हालात बुरे जरूर होते हैं। खैर, तो उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं सोफिया को कॉन्टिनेंटल होटल में, जहाँ पर वो शायद विंस्टन से मिलने आई है, ताकि वो विंस्टन से मिलकर ये बात क्लियर कर सके कि उन्होंने जो भी बाउंटी लगाई है जॉन पर वो हटा ले। और यहाँ पर हम सोफिया के जर्मन शेपर्ड दो डॉग को भी देख सकते हैं, जिन्हें बुलेट प्रूफ आर्मर पहनाया गया है। और अगर रूमर की माने तो कहा यह जा रहा है कि सोफिया को ये दोनों जर्मन शेपर्ड डॉग असल में जॉन विक ने गिफ्ट किए थे, और सोफिया ने इन दोनों का ख्याल काफी अच्छी तरीके से रखा है। अब फिलहाल के लिए ये बात सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है। और उसी के साथ साथ हम इस सीन में जॉन के कैरेक्टर को देखें तो यहाँ पर काफी बड़ा चेंजेस भी आया है, और वो चेंजेस है जॉन के बाल, जो पहले से काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं। यानी यहाँ पर जॉन अपने आप को छुपाने में काफी हद तक कामयाब है। लेकिन फिर बात करें इस सीन की, तो देखकर ऐसा लगता है कि जॉन अब पूरी तरीके से नशे में धुत हो गया है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर जल्दी कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, और अब जॉन को कोई परवाह नहीं है कि लोग उसे मारे या फिर छोड़ दें। खैर, तो अब आ जाए इस सीन पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी दूसरे के नाम की बाउंटी क्लियरिफिकेशन पर आई है, जिसे सेंटेक्स वालों ने कंफर्म कर दिया है। और अब ये किसी दूसरे असेंशन के नाम की बाउंटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंटी की रकम रखी गई है वो है $7 million की, और जॉन पर पूरे 40 million लगाए गए हैं। खैर, तो इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बाउंटी को किस कैरेक्टर पर लगाया गया है। खैर, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंटेक्स के सीक्रेट स्टाफ के बारे में, जो लोग ऑर्डर लेने के बाद सभी को मैसेज पहुँचाते हैं, क्योंकि इन सभी औरतों का काम करने का तरीका काफी यूनिक है, क्योंकि ये लोग काम करते हैं अभी भी उसी ओल्ड फैशन में, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, जिसकी डिटेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। क्योंकि अगर आज की तारीख की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और ये सभी चीजें यहाँ पर लगाई जाएगी तो लोग काफी आसानी से इस ऑर्गेनाइज को ट्रैक कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर ओल्ड कंप्यूटर्स, हर वो चीज काफी पुरानी तरीके की ही रखी गई है, ताकि लोग जल्दी से इस ऑर्गेनाइज को ट्रैक ना कर पाए। उसके बाद आ जाए इस सीन पर, तो देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बैंक है, और उसी के साथ साथ मेरी पूरी के पूरी ट्रेलर को देखकर डिटेल होती है यहाँ पर खत्म। तो अब जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉन विक चैप्टर 3 जॉन विक की सीरीज का एक आखिरी पार्ट है, ये बात खुद इस फिल्म के डायरेक्टर चैडविक ने कंफर्म की है, जिसे सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि काफी सारे जॉन विक के फैन खुश होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि थर्ड पार्ट में इस फिल्म के चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जॉन विक के यूनिवर्स की ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि अब तक किसी के पास भी ज्यादा डिटेल नहीं है कि असल में जॉन विक का कैरेक्टर कौन है और ये हाई टेबल वाले लोग है कौन, और इसी के साथ साथ ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजर काम कैसे करता है। इन सभी की डिटेल क्लियर तरीके से अब तक तो नहीं दी गई है, तो मुझे लगता है अगर जॉन विक की सीरीज को खत्म करना है तो उसका सबसे परफेक्ट सोल्यूशन होगा जॉन विक की ओरिजिन, जिसे उन लोगों को दिखाना चाहिए कि जॉन विक कैसे इस लाइन में आया, और जितने भी कारनामे हमने जॉन विक के सुने हैं वो सभी हमें उस फिल्म में दिखाए जाने चाहिए। और उसी के साथ साथ इस ऑर्गेनाइज की डिटेल भी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हेली बेरी की कैरेक्टर सोफिया को ऐड किया गया है, उसे देखकर सच में मुझे लगता है कि जॉन विक फैंस इसकी डिमांड जरूर करेंगे कि जॉन विक का एक प्रीक्वल बनाया जाए, कि कैसे जॉन विक इन सभी से बेस्ट है और
के बाद कैसे जॉन विक ने ब्रिजिट के कैरेक्टर के आने के बाद इस लाइन को पूरी तरीके से गुड बाय कह दिया। ये एक परफेक्ट एंड होगा इस सीरीज का। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं जॉन विक की सीरीज और जॉन विक के चैप्टर 3 को लेकर। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।